एक बार फिर भारत और चीन की सेना होगी आमने सामने। दो दिन चली मीटिंग, भारत ने साफ कर दी लकीर, LSC से दूर रहे चीनी सैनिक। भारत और चीन के बीच एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई है। ये बैठक दो दिन तक चली। LSC पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 19वें राउंड की बैठक हुई है। ये बैठक 13 और 14 अगस्त को भारतीय सीमा पर आयोजित की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पश्चिमी क्षेत्र में LSC पर विशेष मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक और लंबी चर्चा हुई। बता दें कि दोनों देशों के बीच 3.5 साल से बॉर्डर पर गतिरोध देखने को मिल रहा है। इसी सैन्य गतिरोध का हल निकालने के लिए बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वार्ता के समापन के एक दिन बाद मंगलवार को संयुक्त बयान जारी किया गया है। दोनों पक्षों ने शेष मुद्दों को शीघ्र हल करने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत को बनाए रखने पर सहमति जताई है। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर भी सहमत हुए हैं। बैठक में भारत ने देपसांग और डेमचोक समेत अन्य टकराव वाले पॉइंट से सैनिकों की जल्द वापसी को लेकर चीन पर दबाव डाला। बैठक में क्षेत्र में समग्र तनाव को कम करने पर भी चर्चा हुई है। जानकारों ने बताया कि ये पहली बार है कि सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता दो दिन तक चली और दो दिन में कुल मिलाकर करीब 17 घंटे तक चर्चा हुई। भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के कुछ बिंदुओं पर टकराव की स्थिति में है। दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद कई क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेह मुख्यालय 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली ने किया, जबकि चीनी टीम का नेतृत्व लेह मुख्यालय 14 कोर के कमांडर ही किए। आपको बता दें कि बीते 3 साल से लगातार भारत और चीन सीमा पर विवाद चल रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि चीन अपने हरकतों से बाज आ जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। आप अपने हिस्से का राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार।